सो हेलो गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे एंड्रॉयड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में। तो ये ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लाइक करना ही भूल जाते हो, लाइक करते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ इनकॉग्निटो मोड के बारे में। तो यहाँ पर आपने इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते हो गूगल क्रोम में तो ये वाला ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो पहले आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है CHROME क्रोम /flags। तो ये वाला आपको टाइप करना है जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद आपको ये सर्च करना है। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च फ्लैग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकॉग्निटो रीऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर इनकॉग्निटो रीऑथेंटिकेशन जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने री इनकॉग्निटो RE लिखा था। तो यहाँ पर कुछ इस तरह दिख रहा है, इनेबल डिवाइस रीऑथेंटिकेशन फॉर इनकॉग्निटो। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होके ऑफ होके बड़ा है, यहाँ पर आपको ये करके इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर रीलॉन्च करना है क्रोम को। रीलॉन्च करने के बाद यहाँ पर आप फिर से क्रोम रिस्टार्ट होके ऑन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद, तीन डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आना है आपको। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे आने के बाद लॉक इनकॉग्निटो टैब्स व्हेन यू लीव क्रोम। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको इनेबल करके रखना है। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, जैसे कि वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक इनकॉग्निटो मोड ऑन करके न्यू इनकॉग्निटो मोड, तो यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च कर ले रहा हूँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स में सर्च कर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्रोम को, क्रोम से बाहर आ रहा हूँ। अब फिर से मैं अगर मैं क्रोम को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे फिंगरप्रिंट पूछेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर अनलॉक, यहाँ पर दिख नहीं रहा अनलॉक इनकॉग्निटो, उसके लिए मुझे फिंगरप्रिंट लगाने से ये ओपन होगा जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरह आप आपके फोन क्रोम का इनकॉग्निटो मोड को लॉक कर सकते हो। तो जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आप YouTube वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर अगर आपको कुछ पार्ट स्किप करना है और आपको आपका जो फेवरेट पार्ट में वहाँ पर जाना है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आप सिंपली डबल टैप करते हो। तो यहाँ पर 10 सेकेंड्स, नहीं तो यहाँ पर बहुत बार टैप, दो बार टैप करते हो तो 20 सेकेंड्स कुछ इस तरह दिखता है। तो यहाँ पर आपको वो करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे कि ये जो बार दिख रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपली प्रेस करके ऊपर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह आप वीडियो का कोई भी एक पार्ट में जाके देख सकते हो। जो आपका जो फेवरेट पार्ट है वहाँ पर आप जाके क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा वीडियो प्ले होने के लिए। तो इस तरह आप वीडियो का पूरा पार्ट देख सकते हो। यहाँ पर सिंपली स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। अगर आप एक फ़ोन का रिव्यू देख रहे हो तो आपको कैमरा में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आप कैमरा डिपार्टमेंट में जाके इस तरह देख सकते हो। तो ये बहुत ही एक अच्छा ट्रिक है, तो आप इसे भी यूज़ करके देखो। दूसरा जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ, ये वाला आप ज़रूर ट्राई करके देखो। उसके लिए आपको आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा। जैसे कि आपको सब पता होगा कि आपको बिल्ड नंबर में जाना है, बिल्ड नंबर में 7 टाइम टैप करना है तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है बैकग्राउंड चेक वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर बैकग्राउंड चेक में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, तो मेरे फ़ोन में तो फिलहाल कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन कर रहा है तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन आपको दिखेगा। क्या कर सकते हो, वो वाला एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल करने के बाद और एक बार रीइंस्टॉल करके देखो, तो फिर से अगर वही एप्लीकेशन आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन कर रहा है तो वो आप एप्लीकेशन वो अनइंस्टॉल करके रख सकते हो। तो ये वाला ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करके देखो। तो दूसरा जो ट्रिक है, अगर आपका फ़ोन बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही स्लगिश लग रहा है तो ये वाला ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करके देखो। इसमें आपको कोई भी हार्डवेयर चेंजेस, सॉफ्टवेयर चेंजेस करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली डेवलपर ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ पर मैं डेवलपर ऑप्शन में जा रहा हूँ।
डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो मेरे फ़ोन में तो 0.5x लिखा रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक पुराना फ़ोन है, तो यहाँ पर फ़ोन थोड़ा लैगी चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर 0.5x में करके रखा है। विंडो एनिमेशन स्केल भी 0.5x में करके रखा है, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल भी मैंने 0.5x पे करके रखा है। तो एक छोटा सा थोड़ा डिफरेंस मुझे लगा है फ़ोन की स्मूथनेस में, उतना ज़्यादा स्लगिश अभी नहीं लग रहा है मेरा पुराना जो सैमसंग गैलेक्सी M21 है। तो ये वाला भी आपके पास कोई भी पुराना फ़ोन है या कोई भी एक नया फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्लगिश लग रहा है, तो आप ये वाला ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। अब दूसरा जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, अगर आप एक गेमर हो और आपको फ़ोन में उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है गेम प्ले करते वक्त, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद एक ऑप्शन आपको सर्च करना है, तो वो ऑप्शन है Force 4X MSAA। तो ये डिफ़ॉल्ट होके ऑफ होगा आपके फ़ोन में, इसे आपको इनेबल करना है। उसके बाद आप गेम खेल के देखो, आपको और थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन का एक ड्रॉबैक है, वो है आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा जल्दी ड्रेन कर देगा। तो इस गेम खेलने के बाद आप ये वाला डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद इसे आप डिसेबल करके रखो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगा आपके फ़ोन में। तो ये वाला ट्रिक भी आप ज़रूर ट्राई करके देखो जब आप गेम खेलते हो। तो ये थे एंड्रॉयड के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो देखकर हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।